तो अभी तक स्कैम क्या हो रहा था लोगों के साथ कि किसी से 1.5 लाख रुपए ले लिए, 1 लाख रुपए ले लिए और उसे पैकेज दे दिया 60,000 वाला। लेकिन एटलीस्ट उसमें उम्रा तो हो रहा था, लेकिन ये स्कैम इस लेवल का बढ़ गया कि भाई अब उम्रा कराना ही नहीं है, लोगों से पैसे ऐट लेने हैं और उसके बाद उन्हें भेज देने हैं। आप गूगल पर जाओ और हिंदी में सर्च करो उमरा के नाम पर स्कैम, तो आप देखोगे कि आज की डेट में भी ना कहीं स्कैम हो रहा होगा। मक्का में उमरा के कराने के नाम पर ट्रेवल एजेंट ने इमाम से ठगे 3 लाख रुपए। किससे? इमाम से। हज और उमरा के नाम पर 25 मुस्लिमों से 1.5 करोड़, 1,55,00,000 रुपए की ठगी। एक सबसे बड़ी खबर जो है वो है ये है कि उड़ीसा में मक्का उमरा के नाम पर 189 मुसलमानों के साथ ठगी। और मैं लगातार वीडियो इस टॉपिक पे इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आज भी अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको इतनी सारी खबर मिल जाएंगी। सोच के देखिए, एक मुस्लिम इंसान कैसा कैसा सपना होता है उसका, उमरा करेंगे, काबा शरीफ देखेंगे, मक्का जाएंगे, मदीना जाएंगे, लोगों का सपना होता है, कैसे कैसे मेहनत का पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद स्कैम हो जाता है। 189 मुसलमानों के साथ स्कैम और उमरे के नाम पे धोखा, सोच सकते हो मतलब उमरा करने के लिए कैसे कैसे उन्होंने पैसे इकट्ठे करे होंगे। मतलब एक तो स्कैम होता है कि चलो भाई आपने होटल कुछ बोला और आपने दूसरा दे दिया, एटलीस्ट वहां पे उमरा तो हो रहा है, लेकिन ये किस लेवल का स्कैम है कि उनका उमरा ही नहीं हुआ और 1.2 करोड़ रुपए उनसे जो है ऐट ले गए। इस समय अगर गूगल पर आप ना मेरे कहने से केवल हिंदी में सर्च करो, मेरे कहने से सर्च कीजिए एक बार, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को पॉज करके आप गूगल पर जाओ और हिंदी में सर्च करो उमरा के नाम पर स्कैम, तो आप देखोगे कि आज की डेट में भी ना कहीं स्कैम हो रहा होगा। मैं केवल नवंबर का स्कैम बता रहा हूं आपको। मक्का में उमरा के कराने के नाम पर ट्रेवल एजेंट ने इमाम से ठगे 3 लाख रुपए। किससे? इमाम से 3 लाख रुपए। ये नवंबर का है। उसके बाद 1 नवंबर का है, हर व्यक्ति से 60,000 रुपए लिए और उसके बाद उमरा के नाम पर ट्रेवल कंपनी पर जो है उन्हें उमरा ही नहीं कराया 60,000 रुपए लेने के बाद। तीसरी खबर देखो, ठगी का मामला, हज और उमरा के नाम पर 25 मुस्लिमों से 1.5 करोड़ 1,55,00,000 रुपए की ठगी। उसके बाद अगर आप देखोगे कि हज धोखाधड़ी उमरा घोटाले में भारतीय मुसलमान को फंसा रहे हैं। एक सबसे बड़ी खबर जो है वो है ये है कि उड़ीसा में मक्का उमरा के नाम पर 189 मुसलमानों के साथ ठगी। मतलब आप सोच के देखिए किस लेवल का स्कैम हो रहा है। सवाल यह है इसके स्कैम हो क्यों रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसी के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल है स्कैम क्या हो रहा है। स्कैम इसलिए हो रहा है, इट्स डिमांड एंड सप्लाई। अभी आप देखोगे कि जैसे हज का एक रेट हुआ करता था आज से कुछ साल पहले कि 2 लाख रुपए में हज हुआ करता था, 3 लाख रुपए में हज हुआ करता था, और आज का जो रेट है, हज कोटे से भी जाते हो तो 4-4.5 लाख रुपए के आसपास हज है, ये रेट 5 लाख पड़ जाता है, आप कुछ पैसे लेके भी जाओगे। वहीं अगर आप प्राइवेट तौर पर करोगे तो 6 लाख 7 लाख 8 लाख, बाकी तो जितने आप लेवल पर जाओगे इतना है। अब ऐसे में एक इंसान को अगर उमरा करना है तो 6-6.5 लाख रुपए मान के चलिए, सॉरी हज करना है, तो ऐसे में इंसान जो है उमरे की तरह रुक रहा है। कहते हैं ना, गरीब के लिए तो उमरा ही एक हज की बराबर है और एक गरीब इंसान के लिए जुम्मे की नमाज ही एक उमरे की बराबर है। तो सेम वही चीज हो रही है कि लोगों का जो रुझान है अब उमरे की तरफ बढ़ने लगा है। इंसान को लगता है कि 70,000, 80,000 या 60,000 में हम उमरा कर लेंगे, वही अगर हज की बात करें तो ये रकम 10 गुना हो जाती है। यानी एक तरफ 60,000 रुपए में उमरा हो रहा है तो एक तरफ वहीं 6 लाख रुपए में हज हो रहा है। तो ऐसे में लोगों का जो रुझान है वो उमरे की तरफ है, यानी सारा खेल है डिमांड एंड सप्लाई का। जहां की डिमांड बढ़ेगी तो स्कैम भी वही होगा। तो अभी तक स्कैम क्या हो रहा था लोगों के साथ, अभी तक स्कैम ये हो रहा था कि किसी से 1.5 लाख रुपए ले लिए, 1 लाख रुपए ले लिए और उसे पैकेज दे दिया 60,000 वाला। लेकिन एटलीस्ट उसमें उमरा तो हो रहा था, लेकिन सोच के देखिए ये स्कैम इस लेवल का बढ़ गया कि भाई अब उमरा कराना ही नहीं है, लोगों से पैसे ऐट लेने हैं और उसके बाद उन्हें भेज देने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये मेरे उम्रे का अब ग्रुप गया था अभी और ये डेट थी 11 तारीख की। इसमें जो लोग देख रहे हैं ना 10 लोग, इन्होंने जब मुझसे पैकेज लिया तो मैंने इनसे पूछा कि यार आप तो इतने दूर रहते हो, आपने मुझसे ही पैकेज क्यों लिया। इन्होंने जब बात बताई ना मैं होश उड़ गया। अल्लाह माफ करे, आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो, सारे इमाम एक से नहीं होते, हो सकता इमाम के साथ भी धोखा हुआ हो। एक इमाम ने इनसे ना उमरे के नाम पर पैसे ले लिए और वो इमाम वहां से छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, हो सकता है उनके साथ भी धोखा हुआ हो, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। फिर ये लोग मेरे पास आए, जब तक इन्हें फ्लाइट की टिकट नहीं मिली ना, जब तक ये मुझ पर भी डाउट कर रहे थे, लेकिन जैसे इन्हें फ्लाइट की टिकट मिली तो इन्हें संतोष मिल गया। इस लेवल का स्कैम चल रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो स्कैम है इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप बच सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन के टाइम में आप ऑनलाइन ही पैसे करोगे, चाहे मुझे करो या किसी भी करेगा। तो इसी के हम 4 पैरामीटर की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये खबर जो है ना इस पर रोशनी डालना चाहता हूं कि ये खबर जरूरी क्यों है। आपके सामने खबर है कि उड़ीसा में क्या हुआ कि 1.2 करोड़ यानी लगभग 1.20 करोड़ की ठगी हो गई। 189 जो उमरे के लोग थे उनसे 96,000 रुपए लिए गए उमरा के नाम पर और उसके बाद उमरा नहीं कराया गया। जब उनसे पैसे मांगे गए तो क्या हुआ, टूर एंड ट्रेवल कंपनी ने क्या किया, उनको
चेक दे दिया और चेक देने के बाद वो चेक बाउंस हो गया, पैसा नहीं मिला। उसके बाद वो बंदा भाग गया, सोचिए 189 लोगों के साथ। और मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जो ज्यादातर स्कैम होता है ना वो ज्यादातर इसी एरिया में होता है, क्योंकि कई बार वहां से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती। जैसे तमिलनाडु में मुस्लिम रहते हैं, वहां से हो सकता है डायरेक्ट फ्लाइट ना हो, ठीक है। सेम उड़ीसा, सेम दिसपुर हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पर ज्यादातर स्कैम होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां की बात यहाँ तक इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। ऐसा नहीं कि वहां पे एफआईआर नहीं होती होंगी, होती होंगी, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से यहाँ तक रिपोर्ट नहीं आ पाती। ये खबर देखिए, मक्का के नाम पर 189 मुसलमानों को धोखा देने वाले नवील अब्दुल मुबीन शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। मसला क्या था कि इन्होंने जो है अपनी ट्रेवल कंपनी खोली, अल आदम टूर एंड ट्रेवल कंपनी खोली। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने 189 लोगों को जो उमरा के नाम पर 96,000 रुपए लिए, कुल मिलाकर 1.2 करोड़ रुपए के बराबर हैं। लेकिन ये दोनों ट्रेवल कंपनियां एजेंसियों ने ना तो इन्हें मतलब उमरा लेकर गए, ना ही इन्हें जो है पैसे वापस करे। उसके बाद क्या हुआ, इन्हें चेक दिए गए, उसके बाद वो चेक बाउंस हो गए, इस तरह की मसला हुआ। कुछ लोगों ने कम पैसे दे रखे थे, कुछ लोगों ने ज्यादा पैसे दे रखे थे। और मैं लगातार वीडियो इस टॉपिक पे इसलिए बना रहा हूं कि अगर आज भी अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको इतनी सारी खबर मिल जाएंगी, और ये डायरेक्ट आपकी जेब से पैसा जा रहा है। सोच के देखिए, एक मुस्लिम इंसान कैसा कैसा सपना होता है उसका कि हम अल्लाह के घर जाएंगे और हम जो है मतलब उमरा करेंगे, काबा शरीफ देखेंगे, मक्का जाएंगे, मदीना जाएंगे। लोगों का सपना होता है, कैसे कैसे मेहनत का पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद स्कैम हो जाता है। अब सवाल यह है, स्कैम से बचा कैसे जाए। इसके चार पैरामीटर है, जिसमें पहला पैरामीटर आता है कि अगर आपको कोई ट्रेवल कंपनी ये ऑफर करती है कि आप उमरा करो, और वो कहती है कि 60,000 में करो या 65,000 में करो, पहले मैं इसको एक्सपोज करने वाला हूँ। देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर आप रैंडमली इस समय जाएंगे और अगर आप सिस्टम टिकट भी देखेंगे तो इस समय 35,000 से लेकर 40,000 का रेट जो होता है ना वो इंडिगो फ्लाइट का होता है। भाई 11,000 का वीजा होता है विदाउट ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के साथ होता है ये 12,000-12,500-13,000 का। यानी कुल मिलाकर के खाली वीजा, इंश्योरेंस और फ्लाइट ही आपकी 50,000 की बैठती है, तो आप 60,000 में उमरा कैसा करा दोगे। अगर कोई बंदा बोलता है कि 60,000 का उमरा करा रहे हैं हम या 65,000 का कर रहे हैं, तो आप उससे क्लियरिटी लीजिए। पहले आपसे पूछिए कि फ्लाइट कौन सी है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, मतलब वाया फ्लाइट है या डायरेक्ट है। उससे पूछिए आपके होटल कौन से होंगे, इसकी डिस्टेंस दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत जरूरी है, ये लोग आपको बताते नहीं है। यकीन मानिए मैं इस लाइन में क्यों आया हूं, क्योंकि 2 बार मैं उमरा जा चुका हूं, 3री बार मैं अपना टूर लेकर गया हूं। आप यकीन मानिए हम जो काम करते हैं ना ये खुदा के लिए करते हैं, द कयामत के लिए करते हैं। आप यकीन मानिए मुझे अभी तक एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने होटल के मामले में क्लैरिटी दी हो। मैं अब तक लगभग 63 लोगों को उमरा पे भेज चुका हूं, जहां पर मैंने उनको होटल की डिस्टेंस के बारे में बात की है। जब आप किसी से बोलते हो ना 2.5 किलोमीटर दूर होटल है, तो बंदा जो है ना आपसे पैकेज लेता नहीं है, ये इतना आसान नहीं होता। मान लीजिए एक महफिल में 100 लोग बैठे हुए हैं, उन्हें आपको उमरे का पैकेज बेचना है। अब वो चाहते भी सस्ता है और वो ये भी चाहते हैं कि लोकेशन कम हो। तो एक बंदा आया, बोला यार हम उमरा करा देंगे आप, ठीक है। लोगों ने पूछा होटल, अरे होटल पास में ही है, बस से जाएंगे, 5 मिनट लगेंगे। लोग उससे ज़्यादा मुतासर होंगे, उससे ज़्यादा खरीदेंगे। वहीं पर अगर मैंने वहाँ अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई ये पैकेज मैं आपको दे दूंगा, लेकिन होटल 2.5 किलोमीटर दूर होगा मक्के में, मदीने में होगा 1600 मीटर दूर, और होटल की रेटिंग बहुत डाउन होगी, वहाँ पर दिक्कत आएगी, खाने की क्वालिटी भी डाउन होगी, उसके बाद बस भी सिंगल होती है, कई बार पानी की दिक्कत होती है, कई बार मोटर बंद हो जाती है, यकीन मानिए वो बिजनेस मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। 100 के 100 लोगों में हो सकता है 1 या 2 इंसान हो जो सच को रियलिटी से कनेक्ट करेगा, बाकी वो पैकेज मुझसे नहीं लेंगे। सोचिए इतना आसान होता है कि सच बोलना, नहीं होता ना। अब ऐसे में अगर हमने 63 लोगों को उमरे पे भेजाना है, तो सोचिए कि हमारे पास कितनी कोलाई होंगी, कम से कम 700 कोलाई होंगी ना, तो उसमें से हमने बिजनेस को कन्वर्ट किया होगा, तो कहीं जाकर हमने 63 लोगों को भेजा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी से ही पैकेज ले रहे हैं तो होटल के मामले में क्लियरिटी, और होटल को गूगल पर सर्च करो, उसकी रेटिंग देखो, पहली चीज। इस तरीके से आप एक हद तक स्कैम से बच सकते हैं। ये आप उस स्कैम से बच सकते हैं कि जो लोग उमरा तो कराते हैं लेकिन होटल के मामले में झूठ बोलते हैं। अब आते हैं दूसरा सबसे बड़ा स्कैम, कि जहां पर आपसे पैसा ले लिया लेकिन आपको उमरा ही नहीं कराया। तो ऐसे पे क्या करना है, पहली बात तो जिस भी कंपनी से कर रहे हैं आप पहले उसके रिव्यू चेक कीजिए, ये देखिए कि इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जहां पर लूज पॉइंट आप लोगों का भी है और कंपनी का तो होता ही है, कि आप विदाउट GST किसी को पेमेंट मत दीजिए। मान लीजिए अगर आप अरवाज ट्रेवल से काम कर रहे हैं ना, अगर आप मुझसे उमरे का पैकेज ले रहे हैं, मान लीजिए एक रैंडमली पैकेज आपको 80,000 का पड़ा, अब आप मुझे पेमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं यार मेरे अकाउंट में करोगे तो मैं आपसे 2,000 रुपये GST लूंगा, तो आप 2,000 रुपये बचाने की वजह से ना आप किसी भी अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, यही गलती करते हैं। जिस भी ट्रेवल कंपनी से काम कर रहे हैं उसका आप ऑफिशियली ट्रेवल कंपनी का अकाउंट नंबर जो है, करंट अकाउंट नंबर जो GST वाला है, उसी पे अमाउंट डालिए, ताकि आप लीगल केस कर सकते हैं, और उससे कहीं ना कहीं ये होगा कि आप ऑथोराइज भी हो जाएंगे, उसको आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा थोड़ा
कहीं ना कहीं जेन्युइन है। मतलब अगर मेरे साथ काम कर रहे हैं ना, तो आप 2000 रुपए अपने जीएसटी के मेंबर बचाओ, आप 2000 रुपए खर्च कीजिए, लेकिन वो आपके 70,000 और 80,000 रुपए पूरी तरह से सेफ है। समझ रहे नहीं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, आजकल सारे लोग पेमेंट ऑनलाइन ही करते हैं। अगर आप ऑनलाइन मुझे भी कर रहे हैं ना, अगर मेरा पैकेज 80,000 का है और अकाउंट में पैसे मंगाने के मैं आपसे जीएसटी ले रहा हूँ 2000 रुपए या 3000 रुपए, तो लालच मत कीजिए, आप पूरे पैसे दीजिए और मेरे ऑफिशियली अकाउंट में पैसे दीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। कल को अगर माले आपका उम्रा नहीं होता है तो आप लीगल केस कर सकते हैं, आप बात रख सकते हैं। समझ रहे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात कि हर चीज में क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इस लाइन में हूं तो मुझे पता है कि यहां पर किस लेवल का स्कैम चल रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सारे जो आम लोग होते हैं ना बेचारे, वो बोल नहीं पाते, उनके पास अपनी आवाज नहीं होती। बहुत सारे लोगों ने कहा हर बात, भाई क्या आपकी ट्रेवल कंपनी है? मैं एक चीज बता दूं, हमारी ट्रेवल कंपनी है, लेकिन हमारा काम है आपको सर्विस देना, हमारा काम है आपके सफर को आसान करना। सोचिए अगर हमारा काम पैकेज को बेचने का होता तो हम आपको कभी भी पूरा सच नहीं बताते, क्योंकि जब आप पूरी सच बात बताते हो ना लोगों से, आप बताते हो कि भाई ये जो 68-69 हज़ार वाला जो पैकेज है ना, 68,000 वाला, इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है। होटल 2.5 किलोमीटर है, मदीना में इतनी दूर है, बस भी एक होगी, सिर्फ नमाज के समय बस मिलेगी, होटल की रेटिंग देख लो, खाना भी एवरेज होगा, तो बंदा वो आपसे पैकेज नहीं लेगा या उस वाले पैकेज पर नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना, ये होती रियलिटी। तो हमारा मकसद पैकेज बेचना नहीं है, हमारा मकसद है आपको अवेयर करना। पहले जिन भी कंपनी से हम पैकेज ले रहे थे ना, वो डिस्टेंस डाल देते एटीट्यूड में कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आपको चेक तो करता नहीं है, लेकिन जब हमने उनको एक्सपोज किया ना, अब उनके अंदर सुधार आया है। अब सुधार ही आया कि अब वो डिस्टेंस को नहीं डालते हैं। जो सस्ते पैकेज बेचते हैं वो केवल यहाँ लिखते हैं कि बस सर्विस है, ये भी बहुत अच्छी बात है, और ऐसे स्टूडेंट को मैं साथ छोड़ूंगा नहीं उनका। लेकिन अभी भी इनके जो उनके महंगे पैकेज है उसमें वो डिस्टेंस को हटाने तैयार नहीं है। समझ रहे नहीं, मैं जो इस काम को कर रहा हूँ, मैं जो इस फील्ड में आया हूँ, आपको बचाने के लिए आया हूँ, अवेयर करने के लिए आया हूँ, आपके सफर को आसान करने के लिए आया हूँ। लेकिन जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये जितनी जिम्मेदारी मेरी है इतनी जिम्मेदारी आपकी। अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं या अपने घर वालों को भेज रहे हैं, तो ट्रेवल कंपनी वाले से आप हमेशा 3 चीजों की क्लियरिटी मांगे, फ्लाइट की क्लियरिटी, होटल की क्लियरिटी और होटल की डिस्टेंस की। इससे ज्यादा आप ट्रेवल एजेंसी से ज्यादा उम्मीद भी ना करें, क्योंकि अगर इसने यही आपको दे दिया तो समझ लीजिए सब कुछ मिल गया। साथ में आपकी जिम्मेदारी क्या है दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है आपको अवेयर करना है। जो लोग उमरा जा रहे हैं, आप किसी से भी, आप अपने रिलेटिव से पैकेज लें, किसी से भी लें, मैं बता नहीं सकता, सबसे ज्यादा इसमें कॉन्फिडेंस में जाकर लॉस होता है। जिस पर आप भरोसा करते हो वही भरोसा तोड़ता है आपका। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बिना भरोसे के आप पैसे ले ही नहीं सकते। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने 90% इस केस में ये देखा है, और आप भी रिलेट करेंगे। कई बार हमारे जो इमाम साहब होते हैं ना, उनकी सैलरी बहुत कम होती है, ठीक है, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। तो ज्यादातर इमाम साहब जो है अब वो उस उम्रा के काम पर आ गए, क्योंकि उन्हें पता है एक एजेंट 5,000 रुपए तो आसानी से उन्हें मिल ही जाते हैं एक उम्रा के। लेकिन कई बार उन्हें डिस्टेंस उन्हें भी पता नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि किसी इमाम साहब की ये नियत होगी कि यार मैं ऐसा झूठ बोलूंगा, हो सकता है इमाम साहब झूठ ना बोल रहा हूं, लेकिन जो एजेंट उनसे काम ले रहा है या जो कैंडिडेट ले रहा है वो उन्हें डिस्टेंस नहीं बता रहा। तो आपका मकसद क्या है कि गूगल पर जाओ, सर्च करो, होटल की डिस्टेंस निकालो, नहीं निकालो तो आप हमारा जो नंबर देख रहे हैं 9718000128, यहाँ पे आप फ्री कॉल कर सकते हैं। हमारा मकसद बेचना नहीं, आपको जिससे लेना है लो, हमसे लेना हो तो हम भी बेचते हैं, जिससे जहां से लेना, क्योंकि हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। हमारा मकसद ये है लोगों के अंदर ये डर पैदा कर देना कि भाई अब समाज जाग चुका है। 6 साल पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, आप किसी को भी बेवकूफ बना सकते थे। इसमें सबसे बड़ा जो स्कैम होता है ना, 90% वो स्कैम इसलिए होता है कि इसमें ज्यादातर एजेड लोग जाते हैं, और ये सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ होता है, धर्म से जुड़ा हुआ होता है, तो 90% लोग शिकायत नहीं करते। मान लीजिए आपके फादर चले गए, उन्हें तो पता नहीं है, फर्स्ट टाइम आ गए, जब होटल दूर मिलता तो शिकायत भी नहीं कर पाते, छोड़ो यार सब्र करो। तो इसी चीज का ये ट्रेवल एजेंट जो है ना फायदा उठाते हैं। लेकिन इनको ये बात समझनी चाहिए, अगर होटल में आप 100 मीटर का भी झूठ बोल रहे हो ना, तो ये काम फिर हराम है। मतलब या तो सस्ते पैकेज बेचो मत ना, जब आपको पता है सस्ते पैकेज में कुछ रखा ही नहीं है, तो आप जानबूझ के दूसरों की मार्केट खराब करने के लिए सस्ते पैकेज क्यों निकाल रहे हो। और मैं दोस्तों एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप इंडिगो से सफर कर रहे हैं और 70,000 से नीचे कोई भी पैकेज दे रहे हैं ना, तो यकीन मानिए उसमें दिक्कत आने ही वाली है। केवल होटल की बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ये पैकेज उनके लिए ठीक है कि जिनके लिए 1,000 रुपए मैटर करते हैं, कि नहीं अरवाज भाई हमारा बजट ही इतना है, हमारा बजट ही 60,000 रुपए का है, हमारा बजट ही 65,000 का है, हमारा बजट ही 70,000 का है। सेम ये इसी तरीके से है कि अक्सर आपने जब हम सऊदी एयरलाइंस की बात करते हैं या इंडिगो की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा तारीफ आप किसकी सुनते होंगे? सऊदी एयरलाइंस की। और हर आदमी इंडिगो की बुराई करता है, लेकिन रियलिटी है, तुमने किसी भी इंसान को यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि यार इंडिगो जितने पैसे लेती है उसमें ठीक है यार, उधर सऊदी एयरलाइंस जो 15,000 रुपए महंगे भी तो ले रही है, ज्यादा भी तो ले रही है। लेकिन इंसान की फितरत है, वो जाता भी सस्ते में है और उसकी बुराई भी करता है। तो यही चीज आपको समझनी है कि अगर भाई आप 70,000 से नीचे जा रहे हो ना,
तो वहां क्वालिटी से आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा और 15 दिन लगातार करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए ना, और अगर आप चाहते हो लोग अवेयर हों, तो इस वीडियो को आप व्हाट्सएप पे कम से कम 5-5 लोगों को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और जो नेक्स्ट टाइम उमरा करने जा रहे हैं ना, आप कम से कम अवेयर हो जाए। और किसी भी ट्रेवल कंपनी से काम कर रहे हैं ना, उसके ऑफिशियली अकाउंट में पैसे दें, चाहे 2000 रुपये ज्यादा जा रहे हो जीएसटी के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं सेफ रह सकते हैं हद तक। जय हिंद, अपने ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।